बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथली सरकार। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने आया हूँ, और ये काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी मेरे से पूछा है, और कुछ मेरे जो दोस्त हैं, जो फेलोज़ हैं, वो भी मेरे से ये पूछ रहे हैं कि यार हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, बच्चों को क्या फ़ायदा होगा यूट्यूब पे आप जो लेक्चर्स अपलोड करते हो, तो बच्चे कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज मैं उसी बारे में थोड़ा सा बताने आया हूँ कि हम जो हैं वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उससे फ़ायदे बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो पहला फ़ायदा स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? मेरे हिसाब से आप यूट्यूब यूज़ करके अपने लेक्चर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हो। इसके छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने आज कोई लेक्चर पढ़ा है, सपोज़ 10th क्लास का कोई लेक्चर है, 9th का 1.4 की है आपने स्कूल में। अब आपका बुक ओपन करने का दिल नहीं कर रहा, आप कहते हो मैं बुक नहीं करनी ओपन, दिल नहीं कर रहा होता। वैसे भी बुक्स को आप कम ही इंपॉर्टेंस देते हो, मोबाइल फ़ोन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तो आप मोबाइल फ़ोन है आपके पास, तो आप YouTube पर एक्सरसाइज 1.6 टाइप करोगे, आपको पूरी दुनिया के प्रोफेसर्स, टीचर्स जितने भी होंगे, वो सारे जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ होंगे वो आते जाएंगे आते जाएंगे। आपको जो पसंद हो उसका आप लेक्चर देख लो। आप एक एक्सरसाइज का लेक्चर आज देख रहे हो, कल भी वही देख लो, परसों देख लो, चौथ देख लो। तो आप एक टॉपिक को पढ़ने के बाद देख सकते हो दोबारा से। आप पहले आप फैसिलिटी ऐसी नहीं मौजूद होती, हम जब थे हमें तो इस तरह की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, तो टीचर ने पढ़ा दिया है वो ऑनलाइन बता रहा हूँ। लेक्चर्स मैं खुद बताता हूँ बच्चों को, क्या आपको 50% याद रहेगा 4 दिन बाद 5 दिन बाद? मैं पूछूंगा जी मैंने ये बात बताई थी, अगर किसी बच्चे ने रिवाइज नहीं किया होगा ना और उस दिन जाके तैयार नहीं किया, वो भूल गया होगा कि मैंने क्या रिवाइजिंग कराई थी। तो आप घर बैठ के लेक्चर्स देख सकते हो, रोज़ाना का एक लेक्चर देख लो, नहीं आपने बुक ओपन करनी, आप लेक्चर्स देख लो। लेक्चर्स देखोगे यूट्यूब पे देखोगे, गूगल पे देख लो, लेकिन आप इस मीडिया को इस्तेमाल करके आप अपनी स्टडी के बारे में आप अपनी स्टडी बहुत बेहतर बना सकते हो। आपको टॉपिक्स याद हो जाएंगे, जब आप एक ही वीडियो बार बार देखोगे, आप एक लेक्चर 2-3 टीचर्स के देखोगे, अब एक टीचर की समझ आ जाएगी, एक टीचर की नहीं आई तीसरे टीचर की समझ आ जाएगी, कोई ना कोई आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आप इस तरह यूट्यूब को इस्तेमाल करके घर पे बैठ के ईजीली लेक्चर्स देख सकते हो, तैयार कर सकते हो। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, आपको सारे सब्जेक्ट्स की, तमाम चैप्टर्स की, तमाम क्वेश्चंस की वीडियोस मिल जाएंगी हर एक टीचर की। मैंने ये नहीं कहता कि मेरी देखो, मेरी भी देखें, ठीक है, क्योंकि अपना शहर एक है, तो पहले तो हाकि मेरे ही बनते हैं ना। फिर तो नहीं समझ आ रही, आप किसी और की देख लो वीडियो। यूट्यूब को इस्तेमाल करो, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, इसको आप यूज़ करो, आप देखो आपके स्टडी में कितना फ़र्क आता है। तो ये मेरा आंसर है सबको कि आप YouTube को इस्तेमाल करके अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती, मैं भी YouTube से ही देखता हूँ। इवन के आपको खाना बनाने से लेकर कोई भी चीज़ ओपन करने तक सारी चीज़ें आपको YouTube पे मिल जाएंगी कि जी टाइम पीस को कैसे ओपन करना है, मोबाइल कैसे ओपन करना है, कैसे ठीक करना है, हर वीडियो मिल जाएगी। अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड हो, हर फील्ड से रिलेटेड आपको चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। पूरी दुनिया के लोग इस पे अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, और बहुत सारे लोग, बल्कि 90% लोग बाहर के ममालिक में यूट्यूब का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हमने सिर्फ ये जो इंटरनेट है और मोबाइल फ़ोन हैं सिर्फ हमने नेगेटिव यूज़ के लिए रखा हुआ है। फेसबुक यूज़ कर ली, पोस्टें पढ़ ली, उसमें वीडियोज़ देख ली, व्हाट्सएप देख लिया, पता नहीं कौन कौन से ग्रुप्स उन्होंने ज्वाइन किए हैं जिसमें 100-100 तस्वीरें आ रही हैं, वो पता नहीं क्या पोस्ट आ रही है, वो हमने घंटे 2 घंटे 3 घंटे देख लेना है।
लेकिन ये अपना पढ़ाई से रिलेटेड या कोई अच्छी बात देखने के लिए हमने इसको यूज़ नहीं करना। तो YouTube को अगर आप अच्छे वे के लिए, अच्छे पर्पज के लिए इस्तेमाल करोगे तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और बेल का आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि जैसे भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ साथ ही आप उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो अल्लाह हाफिज़।